हेलो नमस्ते यदाब सत श्री अकाल किम छो एंड कैसा काय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार्स ऑन एक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड दोस्तों, आज के मेरे वीडियो में मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं एक माइटी ब्लैक कलर की थार, जिसे हमने एक ब्यूटीफुल सा एक्सेसराइजेशन किया है। वेल फ्रेंड्स, थार एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर द स्कोप ऑफ एक्सेसरीज इज एंडलेस। मतलब जितने की गाड़ी है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, उतने लाख के भी एक्सेसरीज आज थार में डालना कम पड़ सकते हैं। इसमें आज स्कोप उतना अनलिमिटेड है। लेकिन दोस्तों, इसका द मज़ा इज़ दैट हर एक कस्टमर की जैसा इच्छा हो, हर एक कस्टमर का जैसा एक रिक्वायरमेंट हो और उसके जैसा एक टेस्ट ऑफ अपग्रेडेशन हो, हम उसे केटर कर सकते हैं। एंड आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ये माइटी ब्लैक कलर की एंग्री बर्ड थार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखोगे, हमने इसका जो मेन फ्रंट ग्रिल है उसे पूरी तरीके से रिप्लेस करके ये प्रॉपर ब्लैक कलर की एंग्री बर्ड ग्रिल का ग्रिल लगाया है। एंड आप खुद देख सकते हो दैट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस ग्रिल इज़ टॉप नॉच। आज इसमें भी कई सारे क्वालिटीज़ आते हैं, बट व्हाट वी हैव गिवन इन दिस कार इज समथिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक योर कार स्टैंड आउट। कस्टमर ने बाई डिफ़ॉल्ट ये हेडलाइट शोरूम में लगाए थे, विच ही वॉज वेरी अनहैप्पी विद, क्योंकि दोस्तों ये जो गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट्स लगे हैं, इसका जो फोकस और जो थ्रो है रोड पे, इट इज़ लिटरली वेरी 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 बैड। मतलब ये आपका हाई बीम का जो एक्चुअली लाइट ऑन हुई है, इसका जो थ्रो है, इट इज़ नॉट इवन 20 meters। एंड आई जनरली डोंट रिकमेंड दिस डिज़ाइन, दिस मॉडल टू एनी कस्टमर। लेकिन अब लगा दिया है तो लगा दिया है भाई, ऑब्वियसली वी कैनॉट जस्ट चेंज इट इन 2 days टाइम। तो टू मेक श्योर कि लाइटिंग इसमें और बेटर तरीके से आए, हमने इस कस्टमर को लगाए हैं नीचे द प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स। दोस्तों अगर आप देखोगे नज़दीक आकर, ये गाड़ी के अंदर जो प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स लगे हैं, इट इज़ अ ट्विन बाईपोलर प्रोजेक्टर फॉग लाइट। तो ये एक प्रोजेक्टर फॉग लाइट के अंदर एक और एक प्रोजेक्टर है। एंड इसका जो फोकस एंड थ्रो है, आपके हेडलाइट से मिनिमम 3 times ज़्यादा आपको आएगा फोकस एंड थ्रो। एंड ये जो फॉग लाइट्स है दोस्तों, इसके अंदर हमें बिल्ट इन लो बीम एंड हाई बीम भी रहेगा। सो यू कैन सी राइट नाउ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ लो बीम एंड हाई बीम के अंदर, एंड एक्चुअली इसका जो फोकस एंड थ्रो है वो उतना फील आपको होगा रात में। बट अगेन, कस्टमर का ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा था तो हमने इस गाड़ी के अंदर एक ब्यूटीफुल ऑक्सिलरी लाइट भी लगाया है। वेल फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने के भी आज कई सारे तरीके हैं, लेकिन हमने जो लगाया है, अगर आप नज़दीक आके देखोगे, वी हैव इंस्टॉल्ड अ ब्यूटीफुल ब्रैकेट ओवर हियर ऑन दिस बॉनेट। एंड इस ब्रैकेट के ऊपर हमारा ये ऑक्सिलरी लाइट फिट हो चुका है। फिटमेंट इज सुपर, पूरा मेटल बॉडी है पूरी ब्रैकेट की एंड द बॉडी ऑफ द लाइट ऑल्सो। एंड डालने के बाद आप खुद देख सकते हो कि कितना फर्म इसका इंस्टॉलेशन हुआ है। अगेन फ्रेंड्स, जस्ट बाय सिंगल स्विच ये लाइट्स ऑन हो जाएंगे, एंड जिस तरीके का रोड पे ये फोकस देगा आगे, जिस तरीके की चमक जाएगी रोड भाई, इट इज़ सुपर्ब। दिस लाइट कैन बी यूज इन सिटीज, दिस लाइट इज़ हाईली रिकमेंडेड ओनली ऑन हाईवेज। So overall, the lighting solution of this car is to another different level. Let me switch it off now, varna aap log ko aage aur kuch dikhega hi nahi. So apart from these lighting solutions, humne is gaadi ke andar dosto, ye ek proper bar light lagaya hai, windshield bar. This is the Hummer design overlander grill. जी हाँ दोस्तों, आपके विंडशील्ड के राइट राउंड जिस तरीके से ये आता है, एक हमर व्हीकल के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिखाई देता है, सेम उस स्टाइल के कॉन्सेप्ट और उस स्टाइल के पैटर्न के अंदर ये लाइट, ये हमर ग्रिल बैठा हुआ है। एंड इसका जो फिटमेंट भी है, आप देख सकते हो, इट इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग एंड प्रिटी हार्ड। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पर डोर हिंज दिखाई देगा, दैट इज़ अ प्रॉपर रेड कलर मेड फॉर थार हिंज जो हमने लगाया है प्रॉपर मेटल बॉडी के अंदर। यहाँ पर अगर आप एलॉयज़ भी देखोगे दोस्तों, कंपनी के साथ बाई डिफ़ॉल्ट जो ग्रे एलॉयज़ आते हैं, हमने कोई टायर चेंज नहीं किए, हमने कोई एलॉयज़ चेंज नहीं किए, हमने उसी टायर एंड उसी एलॉय को पूरी तरीके से ट्रीट किया है विद अ प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक पेंट विद अ रेड कलर हाईलाइट। तो अगेन फ्रेंड्स, कम क्लोज एंड हैव अ लुक एट दैट ब्यूटीफुल डिज़ाइन ओवर देयर, कि किस तरीके से इसके अंदर लगाए, प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश हुआ है विद अ रेड कलर इंसर्ट जहाँ पर थार लिखा हुआ आ रहा है हमें। अगेन फ्रेंड्स, ग्लासेस के ऊपर नैनो सिरामिक फिल्म डाला गया है जो है बेसिकली हमारा 70% सी थ्रू पेपर, लेकिन ये हीट जेट ब्लैक पेपर के जैसा कट करता है दोस्तों। 99% यूवी रेज आपको रिजेक्ट हो जाएंगे, 94% आईआर रेज रिजेक्ट होंगे, 55% हीट रेज रिजेक्ट होंगे, एंड दोस्तों 40% इसमें ग्लेयर कट भी है। तो जिस तरीके से एसी एफिशिएंसी एंड कूलिंग ये देगा आपको, इट इज़ अनबीटेबल, अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट वंस।
एलॉयज दोस्तों सिर्फ गाड़ी के सिर्फ चार एलॉयज ही नहीं, जो फिफ्थ हमारा स्टेपनी टायर है उसे भी हमने ब्यूटीफुल तरीके से सेम तरीके से इनफैक्ट ट्रीटमेंट किया है इन द ग्लॉसी ब्लैक एंड रेड हाईलाइट्स। सो ओवरऑल द लुक ऑफ द कार बिकॉज ऑफ दीज एलॉयज एंड दीज एक्सेसरीज इन द एक्सटीरियर्स इज़ अ 10/10। इंटीरियर्स दोस्तों इज इवन मोर अमेजिंग। तो अगर आप देखोगे इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले तो हमने डाला है हमारा ग्रैब हैंडल। वेल फ्रेंड्स, ये जो आप ग्रैब हैंडल देख रहे हो दिस इज़ अ कस्टम फिट मेड फॉर थार ग्रैब हैंडल। कोई एक सिंगल पर्सन होल ड्रिलिंग नहीं है आपका, जो यहाँ पर थार को ऊपर अपन के जो हैंडल आता ही नहीं है, हमने वहाँ पर उस प्रोविजन को यूटिलाइज करते हुए ग्रैब हैंडल लगाया। एंड टू गेट इन एंड गेट आउट थ्रू दिस ग्रैब हैंडल इट बिकम्स वेरी 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 ईजी एंड कन्वीनियंट। एंड डालने के बाद हमें जो यहाँ पर भी एक सपोर्ट मिलता है जो मिस आउट हुआ था वो भी पूरी तरीके से फुलफिल हो जाता है। गाड़ी के अंदर ब्यूटीफुल फ्लोर मैट्स डाले हमने, द लाइफ लॉन्ग लास्टिंग मैट्स, परफेक्ट बकेट शेप मैट्स मेड फॉर थार जो एज टू एज कॉर्नर टू कॉर्नर बैठ जाते हैं। सीट कवर्स हमने आर्टिको लेदर के डाले हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग इन द क्वालिटी। 1.8 mm थिकनेस के सीट कवर्स है दोस्तों। लुक एट द फिटमेंट, मतलब किस तरीके से बकेट फिट हुआ है कवर, किस तरीके से बैठक के अंदर भी बकेट फिट हुआ है। दिस इज़ वॉट आई कॉल्ड अ परफेक्ट इंस्टॉलेशन। सेंटर में परफोरेशन रहने की वजह से आपको कंटिन्यूस एयर फ्लो रहेगा एंड इन फ्यूचर हम इसे वेंटिलेटेड सीट्स भी बना सकते हैं। सो क्वालिटी वाइज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट वंस। गाड़ी में थोड़ा सा फील गुड फैक्टर और एम्बियंस को हाईलाइट करने के लिए एसी वेंट्स भी इसके ब्यूटीफुल मैट्रिक्स एसी वेंट्स में कन्वर्ट किए गए। आप देख सकते हो दोस्तों इट इज जस्ट नॉट द सेंटर एसी वेंट बट इसका जो बॉर्डर है उसमें कंटिन्यूस जो कलर्स बदल रहे हैं एक जो एक हारमोनी डिज़ाइन आ रहा है, इट डज़ मेक श्योर कि गाड़ी के अंदर का जो वाइब है, जो एक फील गुड फैक्टर है, वो एक अलग लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, द अनएक्सपेक्टेड, दैट इज हमने इसके अंदर सक्सेसफुली स्टॉक प्लेयर के अंदर भी एक 360 कैमरा लगाया है बाई द रेजर 2.0। हैव अ लुक एट दैट एज वेल। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कोई सिस्टम को चेंज नहीं किया, ये वही स्टॉक प्लेयर है जो महिंद्रा थार के साथ बाई डिफॉल्ट लग के आता है। लेकिन यहाँ पर हम जब यहाँ रिवर्स गियर डालेंगे तो आप देख सकते हो हमें प्रॉपर रिवर्स का व्यू एंड बर्ड व्यू दोनों यहाँ पर प्रॉपर कैलिब्रेटेड वे में दिखाई दे रहे हैं। रिवर्स गियर हटाते ही ऑटोमेटिक गाड़ी के सामने का व्यू मिल जाएगा हमें। राइट इंडिकेटर डालते ही राइट साइड का पूरा व्यू आ जाएगा एंड लेफ्ट इंडिकेटर डालते ही एज इट इज लेफ्ट साइड का भी पूरा व्यू आ जाएगा। प्लस हम जैसे जैसे ड्राइव करेंगे वैसे वैसे गाड़ी के चारों तरफ रिकॉर्ड भी करते रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर 360 कैमरा इज दैट हमें एक आई ड्राइव मिलेगा जो रनिंग में भी हमें एक मौका देगा टू वॉच ऑल द फोर साइड्स ऑफ आवर कार एज एंड व्हेन वी ट्रैवल। सो क्लैरिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, फीचर्स वाइज, सेफ्टी वाइज, सिक्योरिटी वाइज, दिस इज अनडाउटेडली अ 10/10।